सुल्तानपुर में चोर और बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो एक एक करके पुलिस के इकबाल को ही चुनौती देते जा रहे हैं। बदमाश एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस तफ्तीश के नाम पर लाठियां पीटती ही रह जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुल्तानपुर जिले में हुई एक वारदात ने खुद ब खुद इस बात को साबित कर दिया है। ताजा मामला जैसेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां चौकी के बगल में मौजूद मंदिर में 2 घंटों की चोरी हो गई। इस वारदात के बाद से खुद पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। ये मामला सुल्तानपुर के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के सेमरी चौकी के बगल में मौजूद हनुमानगढ़ी मंदिर का है। इस मंदिर में लोगों ने मन्नतें पूरी होने के बाद घंटे दान किए थे। मंदिर के पुजारी के मुताबिक जब वो सुबह सोकर उठे तो मंदिर से 2 घंटे गायब थे, वो भी बड़े वाले। अब इसे चोरों का बुलंद हौसला कहा जाए या फिर पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान कि बगल में पुलिस चौकी होने के बावजूद चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर के सेमरी बाजार चौकी के पास। ये पुलिस चौकी है, बिल्कुल मेरे बगल में। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, दिखाइए, ये मेरे बाईं तरफ जो है ये चौकी है, और इसके बाद यहाँ से सेमरी बाजार मार्केट हो जाती है, और इसी चौकी के बिल्कुल बगल में और ये जो है हनुमान मंदिर है। और यहाँ पर जो है अभी पिछली रात को बताया जा रहा कि यहाँ मंदिर का घंटा चोरी हो गया, और इसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बगल में, अगर मैं कहूँ कि ये मंदिर बिल्कुल पुलिस चौकी के परिक्षेत्र में आता है, पुलिस चौकी की सीमा के अंदर ही दिखता है। अगर यहाँ से मेरे बगल में जो आप ग्रीन कलर की पल्ली देख रहे होंगे, इसके बाद यहाँ पर चौकी इंचार्ज साहब बैठते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो है तमाम पुलिसकर्मी भी रहते हैं चौकी के, और बिल्कुल उसके बगल में ये जो है ये मंदिर है, और ये सेमरी बाजार में पड़ता है, और यहाँ जो है इस मंदिर के अंदर घंटा चोरी हो गया है। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ जो है वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि यहाँ भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं, और जो है बिल्कुल चौकी सेमरी चौकी के पास में जो स्थित मंदिर है, उस मंदिर में जो है घंटा चोरी हुआ है। आइए मैं आपको यहाँ जो रहते हैं बाबा जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरी वारदात कैसे हुई है। क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। क्या मामला हुआ है यहाँ मामला यह हुआ है, मैं दवा खा करके मैं अपने बिस्तर पर सोया था। मैं जब उठा 6:30 बजे तो मैं देखा मेरी घंटा दोनों वहाँ से कट गया है। और उसके बाद मैं हल्ला किया सबसे, बताया मैं पुलिस चौकी भी मैं बताया, सबसे बताया मैं। तो कहीं ठीक है भाई, इसको देखा जाएगा, पता लगाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बगल में चौकी है, बिल्कुल चौकी के बगल में ऐसे ऐसे कांड हो याद भाई। तो आपने कोई तहरीर दी है यहाँ कुछ? हाँ, दे दी है, एप्लीकेशन दी है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन दिया है? अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी नहीं। ये चोरी की वारदात हुई कितना समय हो गया? कल 3 बजे की बात है। अच्छा, कल 3 बजे रात में? सुबह। अच्छा, सुबह एकदम। तो यहाँ पर जो है अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस को द्वारा नहीं हुई है? इस वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में लोग हैरान और परेशान हैं, क्योंकि पुलिस चौकी के बगल में मौजूद मंदिर में चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, तो भला पुलिस और चौकी से दूर रहने वालों का क्या हाल होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चौकी के बिल्कुल सेमरी चौकी के बिल्कुल बगल, यहाँ से बामुश्किल सेमरी चौकी की दूरी कम से ज़्यादा 10 मीटर की होगी, हम मान लेते हैं 20 मीटर की होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो है कल यहाँ 3 बजे सुबह की वारदात है, जैसा कि बाबा जी का कहना है, शाम का, कल शाम को जो है बाबा जी का कहना है यहाँ के कि 3 बजे की वारदात है, जब इस मंदिर से घंटा चोरी हुआ है, और इसके बाद इनके द्वारा एप्लीकेशन भी इसी बगल वाली चौकी पर दी गई, यानी सेमरी चौकी पर दी गई है। लेकिन अभी तक जो है पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है कि जब सेमरी क्षेत्र के अंदर मौजूद मंदिर के अंदर का घंटा चोरी हो सकता है पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे, तो ऐसे में जनता को किस प्रकार सुरक्षित करेंगे, बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। आप लोग कौन है, क्या नाम है आपका? कब मामला हुआ यहाँ पर? हम लोग सुबह मालूम हुआ, सुबह आप लोगों को जानकारी हुई, तो आप यहाँ आते जाते थे? बिल्कुल। तो कभी कुछ जो है प्रशासन से कुछ कहा आप लोगों ने? क्या कहेंगे जब बाबा बोल रहा है खुद। तो बाबा जी हमको दिखा सकते हैं कि जो है कहाँ घंटा लगा हुआ था और चोरी कहाँ से हुआ है? हाँ, दिखा सकते। आइए आइए, दिखा दीजिए। तो ये जो है मंदिर है, बजरंगबली जी का मंदिर है, बिल्कुल इसी के बगल में सेमरी चौकी है, और गुजारिश का ये दिखाइए। जी जी, और ये घंटा बीच में था, तो ये दोनों घंटे चोरी हो गए। हाँ, अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, कुछ ना है। तो ये वो मंदिर है जहाँ पर जो है मंदिर का घंटा चोरी हुआ है, और इसके बाद जो है यहाँ पर तहरीर भी,
अच्छा ये हनुमानगढ़ी के अंदर है, ये जो है बिल्कुल यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो हनुमानगढ़ी मंदिर है इसी मंदिर के क्षेत्र में ये चौकी है और इसी चौकी के बिल्कुल बगल में मंदिर का घंटा चोरी हो जाता है पुलिस के नाक के नीचे और इसके बावजूद जो है अभी तक पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है, कोई सुराग नहीं लग पाया है कि यहाँ पर चोरों ने किस तरीके से अंजाम दिया है घटना को। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि यहाँ पर स्वयं जो है संकट मोचक हनुमान को भी नहीं बख्श रहे हैं और इनके मंदिर से घंटा चोरी कर लेते हैं बिल्कुल प्रशासन की नाक के नीचे और प्रशासन अभी भी कुछ नहीं कर पाया है। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। मंदिर के पुजारी ने फिलहाल पुलिस के पास मामला दर्ज करा दिया है लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली है। अब देखना यह होगा कि आखिर पुलिस इन चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। यह खबर हमारे संवाददाता आलोक दुबे ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक और लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।